नाही सर, फक्त स्पॉट ऍडचं बोलणं झालं सर. फर्स्ट टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहा? फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस था मेरा, एकदम मस्त एक्सपीरियंस था. और थोड़ा अलग ही लगा मेरे को तो, इतना लॉन्ग राइड 2-3 दिन का पूरा, एकदम एकदम मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मेरे को. दिखाई नहीं देता फिर भी आप ये वारी करते क्यों, क्या क्या इसमें? नहीं तो साइकिलिंग का तो मेरा हॉबी भी था, और ये तो बुआ ने सुना था कि भगवान के मंदिर में जाएंगे सबका कुछ ना कुछ प्रार्थना पूरा होगा, ये अपना भी तो ये हिसाब से. और वाड़ी का भी साइकिलिंग का भी था, तो वो हिसाब से मतलब दोनों अपने साइकिलिंग भी होएगा और अपने को एक अच्छी जगह पे जाने भी मिलेगा. और वहाँ पे जब इतनी पब्लिक आती है तो हम लोग जैसे साइकिलिंग पे जाएंगे तो और भी अच्छा, हम लोग का एक नया ही एक्सपीरियंस था. और फर्स्ट टाइम मेरे साथ में कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम है हम लोग. लेकिन आप मुस्लिम होके भी इस बारे में सब क्या, इसमें क्या नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी, वो तो मेंटेलिटी पे है ना. क्योंकि मैं तो ये सब एकदम वो जो ऐसा इतना पार्शलिटी करके कोई बोल रहेगा तो मेरे को भी आपके ऊपर लगता है. बाकी मैं तो ऐसा कुछ मानता नहीं हूँ. और सेकंड थिंग कि मैं जब मेरे सर्कल में मेरे साथ में जो आउटकास्ट लोग हैं वो मेरी जगह पे भी आते हैं तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लगा. और यहाँ पे भी मुझे मुस्लिम के हिसाब से किसी ने ऐसा कुछ पार्शलिटी नहीं किया है. जो मैडम थे हम लोग को ये पूरा अरेंज किया उन्होंने सब कुछ, मतलब मेरे को बिल्कुल लगा ही नहीं कि कितने ब्लाइंड लोग हैं. हम लोग 5 जन हैं, उसमें से 2 टोटली ब्लाइंड है, मेरे साथ में एक और टोटली ब्लाइंड है, और हम लोग 3 पार्शियली ब्लाइंड है. और हमारे एक मेन वॉलंटियर है नारायण भाई, और एक हम लोग ने एक मैकेनिक लाया था. सफर में आनंद मिला आपको? जबरदस्त. अध्यक्ष नासिक साइक्लिस्ट फाउंडेशन, आमची वारी तर सुखरूप पार पडली, परंतु परवा जी दुःखद घटना झाली, आमचा सायकलिस्ट प्रेम निफाडे याची खूप वाईट दुर्घटना झाली, तर त्याला मी सर्वांतर्फे श्रद्धांजली अर्पण करतो. बस धन्यवाद. किती सायकलस्वारी यामध्ये सहभागी झाले आणि किती दिवसाचं प्रवासन किती वेळ? ही आमची 8वी वारी आहे. यावेळेस 600 सायकलिस्ट होते. ही आमचं 8वं वर्ष आहे. 3 दिवसाची वारी असते. पहिला मुक्काम अहमदनगरला असतो, दुसरा मुक्काम टेंभुर्णीला असतो, आणि आज सकाळी आता आम्ही 10 वाजता इथे पोहोचलो. साधारणतः 370 किलोमीटरचं सायकलिंग केलं आणि आता दर्शन घेऊन परत जाऊ. सर्व खूप आनंद आहे, सुख खूप चांगलं आहे, परंतु ही दुःखद घटना घडल्यामुळे यावेळेस आमचा सर्व आनंद ओसरलेला आहे. आमचं सर्व सायकलिस्ट हे दुःखाच्या सागरात आहेत.